नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सिंगरौली के ग्राम सिमरिया में हुआ शर्मनाक कांड। एक लड़की नाम सोनमती खैरवार, उम्र 15 वर्ष, पिता राम लक्ष्मण खैरवार, ग्राम बड़गड़वा, बसौला थाना माढ़ा के साथ उनकी सकसपुर दो दरिंदे नाम राजकुमार साकेत और भैयालाल साकेत ग्राम सिमरिया ने बबन पहाड़ी के पास स्थित जंगल में सोनमती का अपहरण कर लिया और उसके बाद खलासा। लड़की के साथ उसके परिवार के अनुसार उन्होंने जब माना थाना का दरवाजा खटखटाया तो थाना प्रभारी एवं पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें दबाव उनका बयान बदलवा दिया और सोनमती से कहा कि ज्यादा बोलोगी तो झोटा खींच कर पंखे में रखना। थाने में सूचना के बाद एक बार फिर 24 अगस्त को इस दुष्कर्म को दोनों दरिंदों ने मिलकर अंजाम दिया। थाने में सूचना देने के बाद एक बार फिर 24 अगस्त को इस दुष्कर्म की वारदात को दोनों दरिंदों ने मिलकर अंजाम दिया, ऐसा लड़की और उसके परिवार का कहना है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि माढ़ा थाने की पुलिस जो की रक्षक कही जाती है, क्या वह भक्षक बन गई है? और साथ ही दोनों गाँव के सरपंच और जनप्रतिनिधि इतने संगीन मामले में कहाँ गायब है? लड़की के साथ इंसाफ क्यों नहीं किया जा रहा? खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।